चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। तृतीय संकल्पना थर्ड कॉन्सेप्ट टाइटल मूंछ का बाल। समन संघ के सभी सदस्यों को जय भीम नमो बुद्धाय। कॉन्सेप्ट के मुख्य बिंदु। साथियों, कॉन्सेप्ट के दौरान हमें बताया जाता है कि समन संघ क्या है, किस प्रकार सन्निपात होता था, निर्णय किस प्रकार लिए जाते थे, उनका पालन किस प्रकार किया जाता था, निर्णय का पालन सभी को करना होता था, नहीं तो संघ द्वारा सजा का प्रावधान होता था। इसके पश्चात आज के परिवेश में संघ की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसके कारण और उसके पश्चात उदाहरणों सहित इकट्ठा होने के फायदे और अंत में इकट्ठा होने का अनुरोध इत्यादि। कॉन्सेप्ट के दौरान प्राय आने वाले सवाल / परेशानी। कॉन्सेप्ट के दौरान नए साथियों द्वारा कई सवाल परेशानियां प्राय सामने आ रही हैं, जैसे हमें सार्वजनिक रूप से महापुरुषों के नाम से संबोधन नहीं करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि हमारे संगी साथी ने मुझे दूसरे समाज के व्यक्ति के सामने जय भीम बोल दिया, जिससे मुझे निजी तौर पर परेशानी हुई, क्योंकि इस प्रकार के उद्बोधन से सामने वाले व्यक्ति को मेरी जाति का पता लग गया, जिसके कारण मुझे परेशानी हुई। इसी के साथ ही एक साथी द्वारा कहा गया कि जब मुझे समाज की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। बैठक के दौरान हमारे साथियों द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार की परेशानियां तो आती ही रहेंगी, इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना होगा। जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा के अनुरूप चलने / कार्य करने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा की बात तो करनी ही होगी। दूसरे सवाल के परिप्रेक्ष्य में उनको समझाया गया कि इसीलिए जुड़ने और जोड़ने की मुहिम चल रही है, जब हम सब इकट्ठा हो जाएंगे तो सभी मिलकर निर्णय किया करेंगे, हर मुश्किल समय में एक साथ इकट्ठे होकर समस्या का सामना करेंगे। जो भी साथी नियमों का पालन नहीं करेगा, संघ उससे सवाल जवाब करेगा, और बार बार यदि वह नियमों का पालन नहीं करता है तो संघ के द्वारा उसको सजा भी दी जा सकती है। जुड़ने एवं जोड़ने के उद्देश्य समझने में भूल। हमारे कई साथी जुड़ने एवं जोड़ने की प्रक्रिया को गलत समझने की भूल कर रहे हैं। वे समझते हैं कि एक दो बार बैठक में आने से, कभी कभी जूम मीटिंग ज्वाइन करने से वे जुड़ गए हैं। वे समझ रहे हैं कि पहले की तरह बैठक में भाग लिया, बड़े बड़े भाषण सुने, हलवा पूरी खाया और अपने अपने घर जाकर सो गए। ऐसे साथियों को हम बताना चाहते हैं कि यह जुड़ने जोड़ने की मुहिम इस प्रकार की नहीं है। इसमें हमें समय अनुसार प्रतिदिन सप्ताह 2 सप्ताह में इकट्ठा होना ही होगा और बार बार इकट्ठा होना होगा। हम समझते हैं कि यह काम 10, 20, 50 आदमियों का ही है। ऐसा सोचना हमारी गलतफहमी ही है। वे कहां कहां पर कॉन्सेप्ट समझाएंगे? कॉन्सेप्ट को समझकर उसको अपने दूसरे साथी को समझाना होगा। कॉन्सेप्ट जितना समझ में आए उतना बताना है, कम समझ में आए तो कम बताना, और खुद धीरे धीरे ही सही पूरे कॉन्सेप्ट को समझकर दूसरों को समझाना सीखना ही होगा। आप
किसी भी भाषा में बोलें। जो बोल नहीं सकते हैं तो लिखें। आप कॉन्सेप्ट को समझाने का अभ्यास अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने घर और आसपास से शुरू कर सकते हैं। सबको कॉन्सेप्ट को सीखकर सिखाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इस बिंदु को हमेशा ध्यान में रखना है कि समय हमारे पास वास्तव में बहुत ही कम है। मूंछ के बाल से प्रेरणा। साथियों, प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है, हमारे आसपास, हमारे साथ या किसी अन्य के साथ। जो भी घटना घट रही है उस पर थोड़ा ध्यान देने से भी सीख मिल सकती है। जैसे आज सुबह मैं अपनी शेविंग के दौरान जब अपनी मूंछ के बाल सेट कर रहा था तो एक बाल बार बार प्रयास करने के बाद भी अन्य बालों के साथ एकजुट नहीं हो रहा था, वह अकेला ही अलग से अकड़ा हुआ था, तो मैंने उसको कैंची से काट दिया। ऐसा ही मेरे साथ पहले भी हो चुका है, और जो बाल बार बार प्रयास करने के बाद भी अलग से रहता था तो मैं उसको जड़ से ही उखाड़ देता था और उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देता। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे इस बाल को इसलिए काटना पड़ा क्योंकि वह अलग था। यदि वह सबके साथ मिलकर रहता तो उसे काटा न गया होता। इसी प्रकार आज तक हम सबको काटा जा रहा है, हमारे अधिकार समाप्त हो रहे हैं, इसलिए जागने एवं जगाने की आवश्यकता है। शुभ सूचना। साथियों, बहादुरगढ़ समन सिंह की टीम द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है कि महापुरुषों की जयंती संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर समन संघियों द्वारा मनाई जाएगी और इसके आयोजन में आम लोगों से किसी भी प्रकार का कोई चंदा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसे एक दिवसीय संगीति की तरह ही इसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार का अनुमोदन लगभग सभी द्वारा किया गया है। इस बारे में आने वाली 13 फरवरी 2022 को कमेटियों के गठन का प्रस्ताव है। इस आयोजन के संबंध में समन संघ के सभी साथियों से उनके विचार सुझाव सादर आमंत्रित हैं। सुझाव व अच्छे विचार प्राप्त होने पर उनको अमल में लाकर इस कार्यक्रम का आयोजन अच्छी प्रकार से करने में हमें सहायता मिलेगी। त्रुटि के लिए अक्षमा नहीं। उपरोक्त चर्चा के दौरान मेरे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलती को कृपया माफ बिल्कुल नहीं करना। मुझे मेरी गलतियों के बारे में अवश्य सचेत करना व बताना ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। इसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं और रहूंगा। इसलिए इस जुड़ने एवं जोड़ने के कार्यक्रम में हम सभी अपनी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तभी जाकर हम अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचा सकेंगे। इसलिए जुड़ना है, जोड़ना है। जुड़ेंगे जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जो जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे। जिद जुड़ने की। जुड़ेंगे जिंदा रहेंगे। जुड़ो और जीतो। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या
इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.